A very good morning students. How are you doing? I hope you are doing great and you are fit and fine at your home. Students, today we are going to do 11th chapter of your English channel book, Picnic at Lake Umiam. So students, here are some pictures for you. Do you know about the different type of boats? Match the names to the boats. Which boat would you like to go in? तो यहाँ पे एक फिशिंग बोट है फिर एक मोटर बोट है एक हाउस बोट है तो आप देख लीजिए कौन सी बोट क्या है आप मैच कीजिए दिस क्वेश्चन इज फॉर यू ओके लेट अस डू चैप्टर रिमोल लैंग एंड सूसन लिंक डॉ वर वेरी एक्साइटेड रिमोल लैंग एंड सूसन दीज आर नेम्स ओके दीज आर द नेम्स ऑफ द पर्सन दे वर वेरी एक्साइटेड द फैमिली वॉज गोइंग

रिमोल लिंग और सुसन ने कभी भी लेको नहीं देखा था और वो एक ट्रिप पे जा रहे थे ठीक है द चिल्ड्रन वो अप अर्ली डेड डे देयर मदर पैक ए पिकनिक बास्केट विद टेस्टी फूड डिलीशियस ककम्बर क्यकम्बर एंड टोमेटो सैंडविचेज एंड ए स्पेशल नाइस डिश कॉल्ड मिनिल सोंगा तो बच्चे हैं जल्दी उठ गए थे ठीक है उस दिन और उन्होंने अपनी मदर की पिकनिक बास्केट को पैक करने में मदद की किस किसके साथ टेस्टी फूड के साथ डिलीशियस ऑल्सो टेस्टी टेस्टी क्यूकम्बर थे उसमें टोमेटो सैंडविच थे क्यूकम्बर एंड टोमेटो सैंडविचेस थे और स्पेशल एक राइस डिश बनाई थी उन्होंने उसका नाम था मिलिन सोंगा ओके ये एक स्पेशल डिश थी उनकी मिसेज लिंगडो ब्रोट ए स्वीट डिश कॉल्ड पखलें एंड लोट ऑफ फ्रूट्स और जो मिसेजन लिंगडर थी वो भी एक स्वीट डिश लेकर आई थी उसका नाम था पुकलेन और बहुत सारे फ्रूट्स लेकर आई थी और दोनों फैमिली द टू फैमिलीज सेट आउट फॉर उमियम लेक और दोनों फैमिलीज़ उमियम लेक के लिए रवाना हो गए सेट आउट मीन्स निकल जाना चले जाना ऑन द वे दस आर टो लीफी ट्रीज थ्रू विज दन लाइट पिप्ड एंड मेड गोल्डन डोर्स ऑन द रोड और रास्ते में उन्होंने क्या देखा उन्होंने देखा टोल लीफी लीफी मीन्स पत्तियों वाले पेड़ देखे देखो ये रास्ते में जा रहे हैं पिक्चर में देखो यहाँ पे लीफी बड़े बड़े लीफ वाले बड़ी बड़ी लीफ वाले पेड़ हैं तो उन्होंने लीफी ट्रीज़ को देखा जिनके जिनके अंदर से सेन सनलाइट जा रही थी उनमें से और वहाँ पे रोड पर क्या बना रही थी गोल्डन कलर के डॉट्स बना रही थी दे ऑल्सो सा हॉन बिल बिल्स विद बिग बिग्स कलरफुल किंग फिशर्स साइनी ब्लैक रोवंस एंड मैनी अदर कलर्ड बर्ड्स ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स और देखो उन्होंने कौन कौन से बर्ड्स को देखा हॉर्नबिल्स को देखा जिनके बीक कैसे थे बीक मीन चोच उनकी चोच कैसी थी बहुत बड़ी और कलरफुल किंग फिशर्स को देखा किंगफिशर क्या होते हैं जो पेड़ों में Uh, काटता रहता है पेड़ों को ठीक है और शाइनी ब्लैक रोवंस को देखा और दूसरे अलग ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स को देखा दूसरे बहुत अलग अलग ब्राइटली कलर्स बर्ड्स थे उनको देखा मैनी वाइल्ड डॉटेड द साइड्स ऑफ द रोड इन प्रिटी कलर्स और कई तरह के डॉटेड वो थे जो फ्लावर्स थे वहाँ पे प्री कलर के फ्लावर्स थे ब्राइट ऑरेंज थे रेड पिंक एंड पर्पल इस तरह के फ्लावर्स देखे उन्होंने रास्ते में क्या क्या देखा रास्ते में ट्रीज देखे फ्लावर्स देखे है ना बटरफ्लाइज ऑफ ऑल साइज एंड कलर्स विजिटेड द फ्लावर्स और अलग अलग तरह की साइज की कलर की बटरफ्लाई फ्लावर्स पे विजिट कर रही थी तो रास्ते में उन्होंने क्या क्या देखा बेटा बड़े बड़े पेड़ देखे बर्ड्स देखे किंगफिशर रोवेंस हॉर्नबिल्स है ना और उन्होंने क्या देखा लीफी ट्रीज और फ्लावर्स देखे और बटरफ्लाइज देखी है ना दे रीच द पार्क बिसाइड द लेक बिसाइड मीन्स पास और वो पार्क में पहुंचे जो लेक के पास में था एंड फाउंड ए शेडी प्लेस एट द टॉप ऑफ ए हिल और उन्होंने को एक शेडी मतलब छायादार प्लेस मिला जो टॉप ऑफ हिल पे था हिल की टॉप पे था It was a wide open space surrounded by tall pine trees. Aur open space tha which was surrounded, surrounded means covered by tall pine trees. Pine trees se ghira hua tha. The lush green grass, the tall pine trees, the clear and blue sky and the sparkling water of Umiam lake took their breath away. अब देखो लश मींस जूसी जूसी ग्रीन ग्रास थी मतलब जूसी मीन्स मतलब हरी हरी एकदम ग्रीन जिस पे जूस भरा हुआ था और टोल पाइन ट्रीज थे वहाँ पे क्लियर ब्लू स्काई था शाइनी। और स्पार्कलिंग मीन्स शाइनिंग और उमेम लेक का जो पानी था वो बहुत ही शाइनी था और ये इस सबको देख कर उनका ब्रेथ मतलब मतलब वो बहुत हैरान थी ठीक है दे वर वेरी सरप्राइज द चिल्ड्रेन वर वेरी हैप्पी टू प्ले कैच एंड रोल इन दॉफ्ट ग्रीन ग्रास और बच्चे क्या खेल रहे थे कैच एंड रोल वाला गेम खेल रहे थे जो सॉफ्ट मतलब मुलायम ग्रीन ग्रास थी उसमें और वो बहुत ही खुश थे शोषण हैड एड ब्रॉट ए फ्रिज भी एंड एवरी वन इन्जॉयड प्लेइंग विद इट और शोषण क्या लेकर आई थी फ्रिज भी लेकर आई थी फ्रिस्ेटा एक गोल प्लेट सी होती है जिसे घुमा घुमा के खेलते हैं ठीक है और हर किसी ने इसके साथ खेलने को इंजॉय किया दे ऑल्सो हैड ए लोट ऑफ फन प्लेइंग सेवन टाइल्स और उन्होंने सेवन टाइल्स नाम का एक गेम भी खेला व्हेन द गेम वॉज ओवर रिमो सोए सो ए बोट एंड बोथ द चिल्ड्रन एक्साइटेडली सेट लेटेस्ट गो बोटिंग अब देखो जब गेम ओवर हो गया तो रिमोन लैंग ने क्या देखा एक बोट को देखा और दो, दोनों ही बच्चे बहुत ही हैप्पीली uh, उन्होंने बोला खुशी से क्या बोला चलो बोटिंग करते हैं यस डेट इज़ द बेस्ट वे टू एन्जॉय द लेक मिस्टर लिंगडो सेट और मिस्टर लिंगडो ने कहा हाँ यही अच्छा तरीका है लेक को इन्जॉय करने का लेक का आनंद लेने का इन द बोटिंग एरिया द पर्सन इंचार्ज गेव दैम लाइफ जैकेट्स और जब बोटिंग एरिया में गए वो तो पर्सन इंचार्ज था वहाँ का जो इंचार्ज था उसने लाइफ जैकेट्स दी उन्होंने दे पुट ऑन देयर लाइफ जैकेट्स एंड गोट इन टू ए स्मॉल बोट और उन्होंने अपनी लाइफ जैकेट्स को पहन लिया और स्मॉल बोट में चले गए एज दे सेल्ड इन द वोटर मिस्टर नॉन ग्राम पिकड अप हि गिटार एंड गोट रेडी टू प्ले और जब वो वोटर में तैर रहे थे मतलब तो मिस्टर नॉन ग्राम ने अपना गिटार उठा लिया और उसे बजाने के लिए रेडी हो गई ही सिंग ए सॉन्ग ही हैड रिटर्न ऑन द ब्यूटी ऑफ मेघालिया और उन्होंने एक गाना गाया जो उन्होंने मेघालय की ब्यूटी पे लिखा था मेघालय की सुंदरता पे लिखा था क्या गाना था ये चलो देखते हैं द ट्रीज ऑफ आर लैंड स्टैंड टोल एंड ग्रैंड हमारे देश हमारी धरती के पेड़ हैं वो बहुत बड़े हैं और ग्रैंड है शानदार है द बर्ड्स एंड द बीज हैव देयर होम्स इन दीज और इनमें बर्ड्स और बीज क्या बनाते हैं अपना घर बनाते हैं फ्लावर्स है और प्रिटी फेसिस फ्लार्स के फेसिस बहुत ही सुंदर हैं बटरफ्लाइज मूव द रेसिस बटरफ्लाइज अपनी रेस करती हैं एनिमल्स वर्क विद अस एनिमल्स हमारे साथ काम करते हैं एंड दे मेक नो फस और वो कोई कंप्लेन नहीं करते शिकायतें नहीं करते लड़ाई झगड़ा नहीं करते फस मीन्स कंप्लेन करना विदाउट एनी रीजन ओल हेल्प इन देयर ओन वे और सबके सब अपने अपने तरीके से एक दूसरे की हेल्प करते हैं एंड दिस दिस आई हैव गो टू से और इसके लिए मुझे कहना है विदाउट दैम वी आर नथिंग इन दिस ब्यूटीफुल लैंड और एनिमल्स के बिना हम इस ब्यूटीफुल लैंड पे कुछ भी नहीं है तो देट वॉज दिस सॉन्ग डैट ही प्लेड एवरी वन क्लैब्ड फॉर मिस्टर नॉनग्रम सॉन्ग और हर कोई ने मिसर नॉनग्रम के सॉन्ग पे क्लैपिंग की देखो इस बोट में ये बजा रहे हैं है नोट ए लवली सॉन्ग अंकल अंकल कितना प्यारा स्कूल था आई विल स्कूल रिमोलंग सेड रिमोलंग ने बोला कि मैं इसे स्कूल में गाऊंगा आफ्टर दी बोट राइड एवरी वन वज हैंग्री और बोट राइड करने के बाद हर कोई क्या था भूखा था वो सब भूखे हो गए थे दिस सेट डाउन एंड एट द डिलीशियस फूड इन द पिकनिक बास्केट्स और वो बैठ गए और उन्होंने जो पिकनिक बास्केट में डिलीशियस फूड था वो उन्होंने खाया डिलीशियस मीन्स टेस्टी है ना चलो ये लास्ट पार्ट है आपके चैप्टर का सून इट वॉज टाइम टू गो होम और जल्दी ही ये किसका टाइम था घर जाने का बड़ी वो सेट टू लीव लेकिन जब उन्हें जाना पड़ रहा था तो क्या हो रहा था हर कोई उदास हो रहा था वो जाना नहीं चाहते थे वहाँ से सुसन आस्कड पापा वैन वेन कैन बी कम बैक वी आर सो हैप्पी हियर तो सुसन ने पूछा कि पापा हम यहाँ पे कब आ सकते हैं दोबारा से हम यहाँ पे कितना खुश हैं सोन वेरी सोन दिस इज़ एन अमेजिंग प्लेस और उसके फादर ने कहा ये बहुत ही अच्छा अमेजिंग प्लेस है हम जल्दी ही यहाँ पे आएंगे और वी कुड गो टू लेलोंग पार्क नेक्स्ट टाइम या फिर हम लेलोंग पार्क पे जा सकते हैं नेक्स्ट टाइम मिस्टर लिंगडो रिप्लाइड मिस्टर लिंगडो ने उत्तर दिया रिप्लाइड मीन्स आंसर्ड द चिल्ड्रन कोडेंट वेट अनटिल दर नेक्स्ट हॉलीडे और बच्चे अपने नेक्स्ट हॉलीडे के लिए वेट नहीं कर सकते थे स्टूडेंट दिस इज़ द चैप्टर एंड देर इज ए वैल्यू पिक विच पार्ट ऑफ द स्टोरी टेल्स यू डेड चिल्ड्रेन लव नेचर कौन सा पार्ट आपको बताता है कि बच्चे नेचर को पसंद करते थे दिस इज ऑल स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल हैव इन्जॉयड द चैप्टर एंड लिसन केयरफुली थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो